Swayam Prabhat, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिस जिसपे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि और इस प्रशासनिक विधि को हम लोगों ने दस मॉड्यूल में डिवाइड किया है और ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें छह मॉड्यूल पर डिस्कशन कर लिया है अब जो मॉड्यूल है वो सातवां मॉड्यूल है जिस पर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं तो इससे पहले कि सातवां मॉड्यूल क्या है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है इसके बारे में हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दू मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मैं न्यायिक सेवा परीक्षा पास करते हुए आसाम में न्यायिक मजिस्ट्रेट भी था कुछ दिन के लिए और मेरा 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस समय मैं अध्यापन के तौर पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है अब विषय पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक विधि है इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है तो इसमें ऑलरेडी छह लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है सातवां लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं छह जो हम लोगों ने देखा था उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं क्या क्या हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने प्रशासनिक विधि के विषय के बारे में बताया ये क्या है इसमें कि अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं क्या इनकी शक्तियाँ हैं इनकी शक्तियों पर क्या निर्बंधन है इनके शक्तियों के दुरुपयोग से जो अधिकारों का हनन होता है उसके लिए क्या उपचार है ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था फिर हम लोगों ने देखा था विधि का शासन क्या होता है और विधि के शासन से देश को चलाना चाहिए आदमी के शासन से देश को नहीं चलाना चाहिए तो विधि के शासन को प्रोपाउंड करते हुए ए वी डाई ने तमाम प्रिंसिपल ले डाउन किया है जिसकी व्याख्या हम लोगों ने केस लॉ के माध्यम से देखा था इसके बाद हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को देखा था कि शक्ति पृथककरण का सिद्धांत क्या है जिसको मॉन्टेस्क्यू ने प्रोपाउंड किया और उसमें क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और उसको भारत के संविधान में किस तरीके से हम देखते हैं इस सब चीज को हम लोगों ने देखा था अमेरिका और इंग्लैंड से इसका तुलना भी किया था हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने प्रत्यायोजित विधायन का कॉन्सेप्ट देखा था जिसको प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उसमें भी हम लोगों ने देखा था विधायिका कब कब और किस किस पावर को डेलीगेट कर सकती है लेजिस्लेशन के लिए कार्यपालिका को और जब वो डेलीगेट करेगी तो कार्यपालिका उसमें कैसे काम करेगी कार्यपालिका के ऊपर कैसा नियंत्रण होगा ये सब हम लोगों ने देखा था इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि नेचुरल जस्टिस का फॉलोअप सबको करना पड़ेगा प्राकृतिक न्याय का फॉलोअप सबको करना पड़ेगा चाहे वो न्यायिक निकाय है चाहे वो अर्ध न्यायिक निकाय है और कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसमें रूल अगेंस्ट बायस है आर डी एल है रीजन डिसीजन है इस सबको फॉलोअप करना पड़ेगा ये भी देखा था और हम लोगों ने देखा था प्रशासनिक अधिकरणों की बात देखा था प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत के संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या स्टेटस है जो उन्नीस में जो संपत कुमार का जजमेंट था उन्नीस में एल चंद्र कुमार का जजमेंट था और इस सब का क्या प्रभाव पड़ा ट्रिब्यूनल को भारत में लेकर के तो इसको हम लोगों ने बड़ा बृहद व्याख्या किया था हम लोगों ने इंग्लैंड और अमेरिका के आधार पर और ऐतिहासिक इसका डेवलपमेंट भी देखा था इससे लाभ और दोष को भी हम लोगों ने देखा था तो इतने पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया है अब जो सातवां पॉइंट है हमारे डिस्कशन का उसके टाइटल को आप स्क्रीन पर देखें हम लोग जो नेक्स्ट विषय डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रशासनिक विवेक तथा न्यायिक पुनर्विलोकन प्रशासनिक विवेक तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल डिस्क्रिशन तथा जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल डिस्क्रिशन का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ध्यान दीजिए जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का प्रशासनिक का जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन कैसे होगा और इसके क्या क्या आधार हैं तो हम लोगों को देखना है प्रशासनिक विवेक तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या है सबसे पहले हम लोगों को इसको जानना है इसके बाद हम लोगों को जानना है प्रशासनिक विवेक क्या है और कब हम कहेंगे कि प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग हुआ है इसको हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इन दोनों के बारे में प्रशासनिक विवेक क्या है और जुडिशियल रिव्यू क्या है तो इसको हम लोग देखें तो देखिए प्रशासनिक तो विवेक दे यह चीज है चूंकि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है पहले हम स्टेट होते थे पुलिस स्टेट होते थे तो उसमें राज्य का बड़ा मिनिमल दायित्व तो था मिनिमल ऑब्लिगेशन था फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल लेकिन अब जो है राज्य का मैक्सिमम ऑब्लिगेशन है फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल तो स्टेट का मच मोर कंसर्न इन दी एक्टिविटी ऑफ पीपुल तो ऐसे स्टेट को हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं वेलफेयर स्टेट में राज्य की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है जनता जनार्दन के प्रति जब ज़्यादा जिम्मेदारी है तो प्रशासनिक अधिकारियों को स्टेच्यूटरी पावर के साथ साथ डिस्क्रिप्सनरी पावर भी देना पड़ेगा ताकि वो अपने विवेक का प्रयोग करके समय और परिस्थिति के हिसाब से काम कर सके केवल और कानून के दायरे में उसको रख देंगे तो हो सकता है कि किसी परिस्थिति में कानून से थोड़ा सा इतर जाके काम करना पड़े वो विवेक नहीं लगा पाएगा इसलिए वैवेविक जो डिस्क पावर उसको कन्फर करता है अब विवेक के पालन करने में कहीं कहीं त्रुटियां भी हो जाती हैं विवेक का हम दुष्प्रयोग भी कर सकते हैं कभी कभी क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो फॉलेबल होता है इसलिए कभी कभी हम अपने विवेक को मिसयूज कर सकते हैं उसका दुष्प्रयोग कर सकते हैं अपने लोगों को हित पहुंचाने के लिए तो अगर ऐसा हम करते हैं हालांकि कानून ने मुझे विवेक दे दिया बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेकिन उसका अगर हम दुरुपयोग करने जा रहे हैं दुष्प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या नियंत्रण है तो हमको जो विवेक दिया गया है वो ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर के लिए दिया गया है वो वेल बीइंग ऑफ द पीपुल के लिए दिया गया है ऐसा नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें और दुरुपयोग जब करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू उसका होगा माने अगर हम दुरुपयोग करके कोई ऐसी चीजों के आधार पर डिसाइड कर दिए जिसको हमको आधार नहीं बनाया जाना चाहिए था और इसके आधार पर किसी के राइट का वायलेशन हो गया तो जो जिसका राइट का वायलेशन हुआ है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से कहेगा कि जज साहब ये जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपने विवेक का गलत इस्तेमाल कर दिया जिससे हमारा राइट का वायलेशन हो गया तो कोर्ट क्या करेगी इसका जुडिशियल रिव्यू करेगी तो जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 226, 32 और बहुत ऐसी आर्टिकल हैं भारत के संविधान में जिसमें जुडिशियल रिव्यू का पावर इनडायरेक्टली कॉन्सेपचुअली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कन्फर किया गया है तो ये है न्यायिक विवेक जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारियों को विवेक दिया गया है ताकि जनता जनार्दन का फायदा कर सके लेकिन जब उसका दुरुपयोग करेगा तब जुडिशियल रिव्यू आएगा अब जुडिशियल रिव्यू ध्यान दीजिए जुडिशियल रिव्यू क्या है जुडिशियल रिव्यू का मतलब जुडिशियरी किसी के एक्शन को चेक कर सकती है कभी भी चाहे वह एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है एग्जीक्यूटिव एक्शन है लेजिस्लेटिव एक्शन है या जुडिशियल एक्शन है कोई सा भी एक्शन ऐसा है जो जनता के अधिकारों के अगेंस्ट जा रहा है ऐसे एक्शन को जुडिशियरी के पास पावर है भारत के संविधान में वह जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल के तहत तो उसको चेक कर सकती है और चेक करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है यह जुडिशियरी के पावर पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का यह जुडिशियल रिव्यू का पावर भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे तीन सौ पंचानवे आर्टिकल है भारत के संविधान में और किसी भी आर्टिकल में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू लेकिन ये जुडिशियली इन्वेंटेड डॉक्ट्रीन है और अगर आप इसको देखेंगे तो इसका अमेरिकन ओरिजिन है मेरवरी वर्सेस मेडिसन का बड़ा लीडिंग जजमेंट था यूएस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था चीफ जस्टिस मार्शल जो थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने इस प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया था प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो इस प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू में उन्होंने यही बोला था कि जुडिशियरी जो है किसी के एक्शन में जिसका एक्शन ठीक नहीं है चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है या वो जुडिशियल एक्शन है उसको जुडिशियरी चेक कर सकती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल और अगर उसका राइट का वायलेशन है उनके एक्शन में तो उस एक्शन को खारिज कर दिया जाएगा गा नल इन वाइड डिक्लेअर कर दिया जाएगा शून्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर आप भारत के संविधान के आर्टिकल 13 को देखेंगे तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज वन, आर्टिकल 13 क्लॉज टू। चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ये फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में नहीं होंगे आर्टिकल थर्टीन क्लाज वन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है आर्टिकल थर्टीन क्लास टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है तो चाहे संविधान के पूर्व की विधियां चाहे संविधान के बाद की विधियां मूल अधिकारों के उल्लंघन में नहीं होंगी और अगर ये मूल अधिकारों के उल्लंघन में होंगी तो कोर्ट क्या कर देगी इसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर देगी इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ए एक के गोपालन वर्ष स्टेट ऑफ मद्रास बहुत पहली केस थी उन्नीस में तुरंत संविधान आने के बाद उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान में हर जगह व्याप्त है तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को है हमारे भारत के संविधान के तहत इनडायरेक्टली डायरेक्टली कन्फर किया गया है और इसका ओरिजिन अमेरिका से आती है तो ये दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन ऑन दी वन हैंड एंड जुडिशियल रिव्यू ऑन दी अदर तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा और उसके क्या क्या दायरे हैं ये सारे चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर में करेगा अगर अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर में करेगा और किसी का राइट प्रभावित होगा तो जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशियरी का आएगा और इसके एक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ये इस टॉपिक का मतलब है अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं देखिए अगली स्लाइड में हम देखेंगे प्रशासनिक विवेक का अर्थ क्या है इसकी प्रकृति क्या है और कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा प्रशासनिक विवेक का एक और चीज इसमें जोड़ लीजिए ग्राउंड्स ग्राउंड्स राशनिक विवेक के कौन कौन ग्राउंड है जिसपे जुडिशियल रिव्यू होगा इन तीन पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे तो ध्यान दीजिए अर्थ और प्रकृति मैंने आपको बता दिया अभी पिछली स्लाइड में कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है और जुडिशियल रिव्यू क्या है क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन कन्फर किया गया और क्यों जुडिशियल रिव्यू का पावर आ गया कुल मिलाकर के जनता के अधिकारों का संरक्षण है और जनता के अधिकारों के संरक्षण में लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका बहुत अहम है इसलिए उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है लेकिन डिस्क्रिप्शन के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय को जुडिसियल रिव्यू का पावर दिया गया है तो इसकी अर्थ और प्रकृति है अब इसके ग्राउंड पे हम आते हैं कौन कौन से ग्राउंड हैं

जब आप डिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू इनवाइट हो जाएगा तो ए ब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन अब ए बूज ऑफ डिस्क्रिप्शन हम अपने विवेक के अधिकारों का मिस यूज कर रहे हैं एब्यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब इसके कई आधार हैं जिसमें हम इसको एब्यूज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन को कौन कौन आधार हैं जैसे पॉइंट नंबर वन अनुचित उद्देश्य का प्रयोग ध्यान दीजिए अनुचित उद्देश्य का प्रयोग अनुचित उद्देश्य अनुचित उद्देश्य का प्रयोग वह जो उद्देश्य है जिसके लिए हमको जुडिशियल डिस्क्रिप्शन दिया गया था जिसके लिए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन दिया गया था क्योंकि हम प्रशासनिक प्राधिकारी हैं और हमको विवेक दिया गया था वो विवेक का ऑब्जेक्टिव कुछ और था और हमको यूज मैं उसको किसी और चीज के लिए कर रहा हूं तो अनुचित उद्देश्य का मैं प्रयोग कर रहा हूं ये पहला पॉइंट है अनुचित उद्देश्य का अगर मैं प्रयोग करूंगा तो हमारे विवेक को जुडिशियल रिव्यू से न्यायपालिका खारिज कर देगी अब इसमें मैं एक दो आपको बताऊं एक केस थी उस केस में याची के टेलीफोन को टेलीफोन प्रबंधक ने इस आधार पर काट दिया था कि इसका प्रयोग अवैध उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था नियमावली के अंतर्गत काटे जाने वाले डिस्कनेक्शन की शक्ति का प्रयोग क्षेत्रीय प्रबंधक की शक्ति का प्रयोग क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा आपातकालीन स्थिति में किया जाना था न्यायालय ने इस कृत्य को शक्ति का दुरुपयोग माना और अविधिमान्य डिक्लेयर कर दिया जैसे किसी के फोन का कनेक्शन तभी काटना है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन उपलब्ध हो जाए आप कह रहे हैं कि आप टेलीफोन को मिसयूज कर रहे हो इसलिए कनेक्शन काट दिया जबकि नियमावली में मिस के आधार पर डिसकनेक्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं है और आपने क्या कर दिया उसको मिसयूज के आधार पर डिसकनेक्ट कर दिया

इसका जुडिशियल रिव्यू होगा और कोर्ट आपके ऐसे उद्देश्यों को फुलफिल नहीं होने देगी पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट आप देखेंगे दूसरा ग्राउंड है जिस पे कि जुडिशियल डिस्क्रिप्शन अप्लाई होगा जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन पे वो है मलाफाइडर बैड फेथ और सद्भाव या दुर्भाव तो मलाफाइड के आधार पे मलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर मलाफाइड या बैड फेथ में आप काम कर रहे हैं बैड फेथ ठीक है ना अब बैड फेथ और एक्शन से नहीं देख सकते हैं तो है, है, है। तो आप है। अगर आपकी हैं ऐसा और आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं जबकि आपको गुड फेथ में काम करना चाहिए था आप बैड फेथ में किए हैं तो आपके ऐसे डिस्क्रिप्शन को जुडिशियल रिव्यू में जुडिशियरी खारिज कर देगी अब इसके लिए एक आध लीडिंग केस मैं यहाँ पे लिखू एक केस है जी सदानंद वर्से वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जी सदानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जी सदानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बड़ी लीडिंग जजमेंट है जिसमें वैध फेट के आधार पर कोर्ट ने खारिज किया था इस मामले में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत एक केरोसिन व्यापारी को निरुद्ध किया गया था न्यायालय के समक्ष यह अभिभाग किया गया था कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उसके विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट उसी व्यवसाय में लगे हुए अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए दी थी इस आशय से उसे व्यवसाय को समाप्त कर देना था डीएसपी ने उपर्युक्त कथन पर विवाद करने के लिए कोई शपथ पत्र नहीं दाखिल किया था गृह सचिव ने सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया था किंतु त्रुटिपूर्ण था उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निरोध का आदेश असदभाव एवं अवैध था ध्यान दीजिए तो आपने इसलिए उसको डिटेन कर लिया ताकि आपके जो नियर और डियर हैं वो उस बिजनेस में फायदा पा जाएं या बिजनेस का राइवल पार्टी है ये उनको घाटा पहुंचा रहा था अगर उसको निरुद्ध कर देंगे डिटेन कर देंगे तो आपके जो नियर डियर हैं उनको फायदा हो जाएगा तो ये मलाफाइड इंटेंशन से आपने काम किया है आपने अपने डिस्क्रिप्सन का ड्यू एक्सरसाइज नहीं किया है और कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू में खारिज कर देगी तो जी सदानंद वर्ष स्टेट ऑफ केरला का यह लीडिंग जजमेंट था तीसरा के आधार है जिसपे जुडिशियल रिव्यू होगा तीसरा आधार है हमारे पास तीसरा आधार है असंगत अनुचिंतन इसको बोलते हैं इरेवेंट कंसिडरेशन ध्यान दीजिए इवेंट कंसिडरेशन इेलिवेंट कंसिडरेशन क्या है माने जिस चीज को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए था लेकिन आपने कंसीडर कर लिया आपको रेलिवेंट चीजों को कंसीडर करना है इनरेलीवेंट चीजों को कंसीडर नहीं करना है लेकिन बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपने इन चीजों को कंसीडर करके मामले को डिसाइड कर दिया तो फिर क्या होगा इसको कोर्ट खारिज कर देगी जुडिशियल रिव्यू के आधार पे अब इनरेवेंट कंसीडरेशन में क्या बातें आती हैं इसमें एक बड़ी लीडिंग सी जजमेंट है मैं आपको बताऊं बोरियम केमिकल बनाम कंपनी लॉ बोर्ड बोरियम केमिकल बनाम कंपनी लॉ बोर्ड ध्यान दीजिए बोरियम केमिकल बरामद कंपनी ला बोर्ड इसमें क्या हुआ था कंपनी ला बोर्ड को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 237 के अधीन प्रावधानित आधारों पर अन्वेषण तथा आदेश दिया गया है किंतु इसने इसके आधारों पर अन्वेषण का आदेश दिया जो उक्त धारा के अंतर्गत नहीं आते न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वे आधार जिन पर कंपनी ला बोर्ड ने अन्वेषण का आदेश दिया था संवैधानिक प्रावधानों के लिए असंगत है, हैं इ कंसिडरेशन यही धारा दो में लिखा हुआ है कि आपको इन इन आधारों पर अन्वेषण करना है और इन इन आधारों पर निर्णय करना है वो आधार उपलब्ध ही नहीं है आप दूसरे आधारों पे अन्वेषण करके निर्णय कर रहे हो तो ऐसा कंसिडरेशन है टेकन टेकन नॉट तो आप उन चीजों को ले रहे हैं जिनको लेना ही नहीं था आपने तो इनरेलीवेंट कंसिडरेशन है और इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू होगा तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई आपने तो इनरेलीवेंट कंसिडरेशन पे मामले को डिसाइड कर दिया है इसलिए आपका डिसीजन लाइबल टू बी क्वेस्ट है और कोर्ट ने उसको क्वेस्ट कर दिया तो ये तीसरा पॉइंट था चौथा आधार क्या है चौथा आधार है लिविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन ध्यान दीजिए लिविंग आउट आपने छोड़ दिया क्या चीज रेलेवेंट कंसिडरेशन लिविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन जो रेलेवेंट कंसिडरेशन है उसको आपने लीव आउट कर दिया तो आपको तो जो रेलिवेंट पॉइंट है उस पर डिसाइड करना था लेकिन रेलिवेंट पॉइंट को लिव आउट कर दिया आपने और दूसरे मामले पर डिसाइड कर दिया इसमें भी दो लीडिंग केसेस हैं एक है ए घुमम बनाम एस के पी एस लिमिटेड के मामले में परमिट जारी करने हेतु आवेदन परिवहन अधिकारी द्वारा आमंत्रित किए गए थे सुसंगत अनुचिंतनों ने निर्धारित किया था कि प्राधिकारी से अपेक्षा की गई थी कि वह कार्यशाला आवास अथवा रास्ते में शाखा कार्यालय अनुभव आदि के तरह से कतिपय तथ्यों पर विचार करे प्राधिकारी ने रास्ते में शाखा कार्यालय की उपस्थिति पर विचार नहीं किया और परमिट देने से इंकार कर दिया अस्वीकृति के आदेश को सुसंगत अनुचिंतनों के आधार पर खारिज कर दिया गया तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपको जिस जिस पॉइंट पे डिसाइड करना था उसको तो आपने छोड़ दिया उस चीज को आपने ध्यान नहीं रखा तो लिविंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशन आपको कोई चीज डिसाइड करना है किसी की योग्यता को और उसके लिए फला फला डॉक्यूमेंट आपको देखना है उन डॉक्यूमेंट को आपने देखा ही नहीं और आपने योग्यता निर्धारित कर दिया इसका मतलब लिविंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशन दंसिडरेशन द्वार विच इनटू कंसिडरेशन बाय यू आपने उसको लिव आउट कर दिया इसलिए आपने डिस्क्रिप्शन का मिस यूज कर दिया कोर्ट ने इस केस में कहा एक और केस है रामपुर डिस्टिलरी बनाम कंपनी ला बोर्ड इसमें क्या हुआ था इस मामले में कंपनी ला बोर्ड ने प्रबंधन अधिकरण जो मैनेजिंग एजेंसी थी को इस आधार पर नवीनीकरण की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया कि अभिकरण के प्रबंध निदेशक उन्नीस सौ में कदाचार के दोषी थे प्रबंध निदेशक उन्नीस सौ छियालीस सैतालीस में कदाचार के दोषी थे वो एक बात है और आज इनका प्रमोशन करना है ये दूसरी बात है तो उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो जो आज की बात है उसको आप ध्यान में ही नहीं रख रहे हो लिविंग आउट रिलेवेंट और सैंतालीस में जो हुआ था उसको देख करके आप मामले को डिसाइड कर रहे हो तो कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया कहा कि नहीं जो रिलेवेंट कंसिडरेशन है उस पर डिसाइड करें तो आप तो लीव कर रहे हो रेलिवेंट कंसिडरेशन को तो ये एक मामला था चौथे पॉइंट में पांचवा पॉइंट देखिए पांचवा पॉइंट है मिक्स्ड कंसिडरेशन ध्यान दीजिए मिक्स्ड कंसिडरेशन मिक्स्ड कंसिडरेशन मिक्स कंसिडरेशन में क्या है कि आपको इररिलेवेंट कंसिडरेशन नहीं लेना है और लीव आउट भी नहीं करना है रेलेवेंट कंसिडरेशन को तो आपको जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड पे डिसाइड करना है न कि मिक्स कंसिडरेशन अपने दिमाग से उपजा लेना ऐसा नहीं करना है आपने अब एक इसमें बड़ी लीडिंग सी केस है सिब्बन लाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी ये बड़ी लीडिंग केस है इस मामले में एक व्यक्ति को दो आधारों पर निरुद्ध किया गया था दो आधारों पर निरुद्ध किया गया था पॉइंट नंबर वन यह कि उसके क्रियाकलाप समुदाय के आवश्यक आपूर्तियों को बनाए रखने के प्रतिकूल प्रभाव वाले थे और दूसरा यह कि उसके क्रियाकलाप विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानि कर रहे थे निरोध आदेश का प्रतिसंघरण प्रथम आधार पर किया गया था क्योंकि वह अस्तित्व में नहीं था ध्यान दीजिए कोर्ट कहती है कि, कि किसी को गिरफ्तार करना है लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर तो लॉ एंड ऑर्डर का आधार उपलब्ध है लेकिन किसी को गिरफ्तार करना है कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और भी कोई कंसिडरेशन की बात नहीं है लेकिन वो भी आप ध्यान में रख रहे हैं तो मिक्स आपको लेके नहीं चलना है वही लेके चलना है जो रियली really हो तो उस आधार पर अगर आप काम करेंगे तब तो आपका कंसिडरेशन सही माना जाएगा विवेक की शक्तियों का इस्तेमाल सही माना जाएगा लेकिन अगर उसको आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपके विवेक की शक्तियों का इस्तेमाल सही नहीं माना जाएगा तो ये मिक्स कंसिडरेशन था पांच इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएंगे सिक्स पॉइंट छठवां पॉइंट है इसको बोलते हैं अनरीजनेबलनेस ध्यान दीजिए अनरीजनेबलनेस युक्तता इसको बोलते हैं अनरीजनेबलनेस अगर किसी चीज को आप अनरीजनेबलनेस के आधार पर डिसाइड जो रीजनेबल नहीं है और आप उसको रीजनेबल समझ रहे हो रीजनेबल समझ के मामले को डिसाइड कर रहे हो तो ऐसे डिसीजन को भी खारिज कर दिया जाएगा नेस इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अब रीजनेबलनेस आप देखेंगे आर्टिकल नाइनटीन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नाइनटीन रीजनेबलनेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान में कि जब आपके बेसिक स्वतंत्रताओं का अगर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा जो फंडामेंटल लिबर्टी है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीडम्स है हमारे पास आर्टिकल 19 में फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन रेजाइड एंड सेटल प्रोफेशन ऑकुपेशन ट्रेड एंड बिजनेस अगर इसको कर्टेल करना है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात है अगर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाएगा तो

कि विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव शब्द का अर्थ है कि एक ईमानदार एवं युक्त व्यक्ति युक्त, का विश्वास जो युक्त, युक्त आधारों पर आधारित हो जैसे किसी को दे दिया गया कि इफ दिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट अगर इंडियन पिनल कोड आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये ये मेन्स्रिया का एक पार्ट है रीजन टू बिलीव हमको ऐसा विश्वास होने का कारण था और इसलिए हमने ऐसा काम किया तो विश्वास होने का जो कारण था ऑब्जेक्टिविटी इसमें बड़ी जरूरी है यह सब्जेक्टिविटी पे नहीं डिसाइड होगा भाई आपको विश्वास करने का कारण था क्या अगर सामान्य प्रज्ञा का आदमी होता तो उसको भी विश्वास करने का कारण होता अगर इसका उत्तर सकारात्मक होगा तब तो ठीक है लेकिन अगर इसका उत्तर नकारात्मक होगा तब ठीक नहीं है तो रीजन टू बिलीव का मतलब सब्जेक्टिविटी नहीं रीजन टू तो बिलीव का मतलब ऑब्जेक्टिविटी ये कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया शिवनाथ बनाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हम लोगों ने अनरिजनेबलनेस पे देखा एक और केस है संत राज बनाम ओ पी सिंह के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब यह कहा जाता है कि प्राधिकारी को कुछ करने की विवेक का अधिकार प्राप्त है तो इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि प्राधिकारी को तर्क एवं न्याय के अनुसार करना चाहिए तथा निजी राय के अनुसार नहीं करना चाहिए संतराज बनाम ओपी सिंह में कोर्ट यह स्पष्ट करती है कि रीजनेबलनेस को हम डिसाइड करेंगे तो हम इसको ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर डिसाइड करेंगे तर्क लगाइए स्टॉप फॉर अ मोमेंट अप्लाई योर माइंड एंड कम्स टू द कंक्लूजन ये स्टेप होते हैं इसमें एक मिनट के लिए रुकना है दिमाग लगाना है कंक्लूजन पे पहुंचना है अगर वह इस तरीके से इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं और तब आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है गुड फेथ में गलती हुई है लेकिन आपने दिमाग ही नहीं लगाया और आप कंक्लूजन पर पहुंच गए इसका मतलब आप प्री कंसिव नोशन से बैठे हैं कि आपको ऐसा ही काम करना है तो ये परमिशेबल नहीं है इसको कोर्ट मना करती है ऐसा नहीं करना है आपको नहीं तो अन के आधार पर आपके डिस्क्रिप्सनरी पावर को खारिज कर दिया जाएगा तो ये है छठवां पॉइंट अनरीजनेबलनेस इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू आगवा आइए आगे आइए सातवें पॉइंट पे सातवां जो अगला पॉइंट है क्या है सातवां पॉइंट है सातवां पॉइंट है, है हमारे पास शक्ति का आभासी प्रयोग एक्सरसाइज़ ऑफ पावर ध्यान दीजिए कलरेबुल पावर यह सातवा पॉइंट है कलरेबुल एक्सरसाइज ऑफ पावर आभासी प्रयोग किया जाना माने आपको जो शक्ति नहीं भी है उस शक्ति को आपने अपना लिया आपने ऐसा कलर चढ़ा दिया कि ऐसा लग रहा है वो शक्ति आपको कन्फर कर दी गई है जबकि वो शक्ति आपको कन्फर नहीं की गई है लेकिन आपने ऐसा कलर चढ़ा दिया है जैसे वो शक्ति आपको कन्फर कर दी गई है तो ऐसा नहीं करना है आपको इफ यू आर डूंग विथ कलरेबुल एक्सरसाइज ऑफ पार देन अगेन योर एक्शन इज लाइवल फॉर जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट उसको खारिज कर सकती है ये पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर एट देखें पॉइंट नंबर एट कहता है कि प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न किया जाना नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ध्यान दीजिए नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर फोर्स्ट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट और नेचुरल जस्टिस तो नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है नॉन कंप्लायंस ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी ग्राउंड है जुडिसियल रिव्यू का जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ डिसीजन देना है तो आपको नोटिस देना था उसको बुलवा करके सुनवाई करना था और डिसाइड करना था आपको उसके डॉक्यूमेंट एविडेंसेस को मंगाने थे एग्जामिनेशन पार्टीज के करने थे फिर डिसाइड करने थे आपको कुछ डॉक्यूमेंट और प्रोडक्शन पब्लिक ऑफिस से मंगाने थे विटनेसेस को बुलवाने थे एग्जामिनेशन करने थे डिसाइड करने थे आपने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट नहीं किया और विदाउट टेकिंग द एविडेंसेस मैटर को आपने डिसाइड कर दिया तो इसको बोलते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट और नॉन कंप्लायंस ऑफ नेचुरल जस्टिस आपने बायसनेस में काम कर दिया आपने आडियल ट्रम्प पार्टम को नहीं फुलफिल किया और मामले को डिसाइड कर दिया तो इस मामले में भी जुडिसियल रिव्यू होगा और जुडिशियल रिव्यू के तहत आपको आपके उसको खारिज कर दिया जाएगा डिसीजन को एक और पॉइंट है पॉइंट नंबर नाइन्थ पॉइंट नंबर नाइन्थ कहता है किस चीज को पॉइंट नंबर नाइन्थ कहता है अधिकारिता से अधिक ध्यान दीजिए एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन आपने जो को एक्सीड कर दिया आपको जो दिया गया है कि आप दो रुपए तक के मामले को डिसाइड कर सकते हैं और आपने पांच रुपए के मामले को डिसाइड कर दिया तो आपको जो, जो अधिकारिता ही नहीं है इनहरेंट लैकनेस एक्सीडेड एंड देर बाई मैटर तो अगेन यू आर अट्रैक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ जुडिसियल रिव्यू और कोर्ट अपने जुडिसियल रिव्यू के पावर को अट्रैक्ट करते हुए आपके इस सिद्धांत को आपके इस पावर को खारिज कर देगी तो एक्सीडिंग जो भी है ये नहीं करना है आपको आगे देखिए फेल्योर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन पॉइंट नंबर दस फेल्योर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एक तो है कि एक्सीडिंग ज्यूरिस्डिक्शन आपको जो जुरिस्डिक्शन था उसमें एक्सीड कर गए और दूसरा है जो जोरिस्डिक्शन आपको दिया गया था उसको फेल कर गए आप एक्सरसाइज करने में आपको जो दिया गया था दो रुपए तक का डिसाइड करने में और आपके पास दो ही रुपए का मामला एक रुपए का मामला था और फिर भी आपने नहीं डिसाइड किया तो आप तो फेल कर गए जो हैज ऑलरेडी टू यू यू बट आर नॉट एक्सरसाइजिंग एज पर तो अगेन इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ मींस योर डिस्क्रिशनरी पावर और इसमें भी जुडिशियल रिव्यू अट्रैक्ट हो जाएगा और कोर्ट आपके एक्शन को खारिज कर देगी तो ये एक पॉइंट है नौवां दसवा पॉइंट फेल टू एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन। इसके बाद आप आएंगे कि तो इंपोजिंग पावर पे फेटर इंपोज कर दिया गया है माने आपको किसी के तहत काम करना है आप हर काम करने के लिए किसी की तरफ देख रहे हो चाहे वो आपका बॉस है सीनियर है इस तरीके से और तब आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है आपको आप खुद अपने आप में सक्षम प्राधिकारी हैं और आपको स्टेच्यूटरी पावर्स दिए गए हैं तो आपको जब स्टेच्यूटरी पावर्स दिए गए हैं तो आप, हैं, तो आप अपने पावर्स के हिसाब से काम करो ना आप दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो तो फेटर्ड मत क्रिएट करो अपने की नहीं या तो कोई आप नोशन बना के चल लो ये मामला होगा तो हम ऐसा ही काम करेंगे ये मामला होगा तो हम ऐसा ही काम करेंगे मामलों में फर्क होता है परिस्थितियों में फर्क होता है आदमी और आदमी में फर्क होता है केस और केस में फर्क होता है तो फेटर्ड नहीं क्रिएट करना है डिस्क्रिप्शन बड़ा वाइड डिस्क्रिप्शन होता है वाइड डिस्क्रिप्शन वेरी करता रहेगा सब परिस्थितियों के हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांध दीजिए और बांध करके डिसाइड कर दीजिए ऐसा नहीं करना है आपने नहीं तो फेटर डिस्क्रिप्शन के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा जोडिसियल रिव्यू में आपका मामला ठीक है इसके अलावा एक है एक्टिंग मैकेनिकली ध्यान दीजिए एक्टिंग मैकेनिकली एक्टिंग मैकेनिकली आप मशीन की तरह से काम कर रहे हैं आप ह्यूमन बीइंग हैं आपको डिस्क्रिशन किसी किसी मशीन के रूप में नहीं जैसे कंप्यूटर में ये बटन दबाएंगे तो यही होगा ये बटन दबाएंगे तो यही होगा आदमी ऐसा नहीं है आदमी में बटन नहीं दबाने की जरूरत है आदमी परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत अपने आप को चेंज कर सकता है और चेंज करके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कोई ऐसे काम करेगा अगर आप एक्टिंग मैकेनिकली कर रहे हो जैसे मान लीजिए आपने प्रोफार्मा बना लिया कोई भी बेल का मामला होगा तो हम ऐसे ही काम करेंगे इस मामले में भूमि अधिग्रहण का मामला है तो कोई भी डिसीजन होगा हम इसी फॉर्मेट पे देंगे ऐसा नहीं है हर भूमि का हर व्यक्तियों का स्थिति अलग है तो मैकेनिकली अगर आप काम करेंगे इसका मतलब यू हैव नॉट अप्लाइड योर डिस्क्रिशन इन रीजनेबल वे और उसको जुडिशियल रिव्यू उस पर चलेगा ठीक है ना तो एक्टिंग मैकेनिकली यह भी एक ग्राउंड है आगे देखिए आगे हम देखेंगे तो एक्टिंग अंडर डिक्टेशन है एक मामला है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन ध्यान दीजिए डिक्टेशन मतलब आप काम तो आपको करना है डिस्क्रिप्शन तो आपको कन्फर किया गया है लेकिन आप लग रहा है कि किसी के डिक्टेशन से काम कर रहे हो समोन इज डिक्टेटिंग यू एंड देयर बाय यू आर डूइंग योर ड्यूटी तो ये नहीं करना है आपको आप डिक्टेशन पे काम नहीं करना है चूंकि डिस्क्रिप्सन आपका है स्टेचुटरी रिकोगनीशन आपको दिया गया है आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन को अपने डिस्क्रिप्सन के हिसाब से ड्यू एक्सरसाइज में इसको, इसको इस्तेमाल करो और व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करो अगर आप किसी के डिक्टेशन में काम करेंगे तो फिर ये जुडिशियल रिव्यू इसका होगा और कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई ये तो आपका ही नहीं है इसलिए decided, देखा पूरे ग्राउंड को अभी भी हम यहां पे नहीं ले पाए लेकिन एटलीस्ट ये बताने का प्रयास किया कि दी अंडर दी ग्राउंडियल रिव्यू का एक्सरसाइज कोर्ट कर सकती है किसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के खिलाफ तो है जिसपे जुडिसियल रिव्यू होगा और कोर्ट इस आधार पर इसको खारिज कर देगी कुछ केसेस भी हम लोगों ने देखा अब अगली स्लाइड में हम चलते हैं अगली स्लाइड है प्रशासनिक विवाद के अधिकार के नियंत्रण में मूल अधिकारों का महत्व ध्यान दीजिए प्रशासनिक विवेकाधिकार के नियंत्रण में मूल अधिकारों का महत्व फंडामेंटल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अब इसमें मेनली स्पीकिंग देखिए फंडामेंटल राइट तो बहुत बड़ा है भारत के संविधान में हम सबको लेके तो यहाँ पे नहीं चलेंगे हम यहाँ पे कुछ एक को लेकर चलते हैं जिसमें मेनली स्पीकिंग हम देखेंगे आर्टिकल चौदह को फिर हम देखेंगे आर्टिकल उन्नीस को और फिर हम देखेंगे आर्टिकल इक्कीस को तीन को लेकर के हम देखेंगे कि प्रशासनिक विवेक और मूल अधिकारों का महत्व अब आर्टिकल चौदह से हम शुरू करते हैं ध्यान दीजिए आर्टिकल चौदह बोलती है समानता का अधिकार ध्यान दीजिए समानता का अधिकार इक्वालिटी बिफोर लॉ

और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो दोनों का अलग अलग ओरिजिन है एक ब्रिटिश ओरिजिन है एक अमेरिकन ओरिजिन है इक्वालिटी बिफोर लॉ एप्सोलूट इक्वालिटी की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रिलेटिव इक्वालिटी की बात करता है तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एब्सोलूट प्रिंसिपल में बेस्ड थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिव इक्वालिटी में बेस्ड थे दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट था न तो एब्सोलूट इक्वालिटी हो सकती है क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी संभव नहीं है विभिन्नता है सबके अंदर इनहरेंट इन इक्वालिटी है तो एप्सलूट इक्वालिटी हो ही नहीं सकती भारत में ही देखें 140 करोड़ लोग हैं तो क्या कोई दो लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते सब में विभिन्नता भी है इतने लोगों के होने के बाद भी विभिन्नता है तो इस विभिन्नता भी को हम एकता में कैसे लेके आ सकते हैं तो एफ्सलूट इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लेकिन केवल रिलेटिव इक्वालिटी uh, नहीं होगी एफ्सलूट इक्वालिटी कॉन्सेप्ट है उसी पर रिलेटिव इक्वालिटी बेस्ड होगी तो दोनों संविधान में जब देखा गया बी राव साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे तो उन्होंने देखा कि भाई दोनों में है तो लेकिन दोनों में वहां पर केवल एप्सलूट की बात है यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात है हम क्यों ना दोनों को एक साथ लेके चलें ताकि

रीजनेबल क्लासीफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन कोर्ट ने कहा कि भाई स्टेट जो है आर्टिकल 12 का जो स्टेट है आर्टिकल 12 में स्टेट में लेजिस्लेचर भी है एग्जीक्यूटिव भी है लोकल अथॉरिटी भी है अदर अथॉरिटी भी है अब स्टेट में एग्जीक्यूटिव भी आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी आती है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं जुडिशियल डिस्क्रिशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर कोई इस तरीके का डिसीजन देती है और अपने डिसीजन में वो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन कर देती है अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन तो इक्वालिटी का वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी कोई प्रशासनिक प्राधिकारी काम करेगा और दो लोगों के बीच में विभेद करने का प्रयास करेगा तो विभेद चलेगा लेकिन वह विभेद जो होगा वर्गीकरण जो होगा वह युक्त युक्त वर्गीकरण होगा वह रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा तो कोर्ट से पूछा गया ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कैसे पता चलेगा इस मामले में रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इस मामले में रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है तो कोर्ट ने इसमें बताया था कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए दोनों लोगों, लोगों के बीच में जो क्लासिफिकेशन किया गया है जो ग्राउंड ऑफ डिफरेंस है वो इंटेलिजिबल होना चाहिए अगर किसी भी सामान्य आदमी से आप पूछेंगे तो कहेगा हाँ इस तरीके का क्लासिफिकेशन चलेगा जैसे मान लीजिए कि चार लड्डू हमारे पास है एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा भूखा है और एक लड़का ऐसा है जिसको शुगर हुआ है तो जो बहुत भूखा है उसको हमने तीन लड्डू दे दिया और जिसको शुगर है जिसको मीठा नहीं लेना उसको हमने एक लड्डू ही दिया तो प्राइमा फैसाई देखने में लग रहा है कि हमने इन कर दिया क्योंकि एक को ज़्यादा दे दिया दूसरे को कम दे दिया लेकिन अगर इसको तह तो में आप जाएंगे तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है किसी से भी पूछेंगे तो तो कहेंगे वो हाँ बहुत भूखा हुआ था इसलिए उसको तीन दे दिया और इसको बीमारी तो भी है शुगर की तो इसको ही दिया तो कोई बात नहीं है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो कोर्ट डिफरेंसिया और जिस लेजिस्लेशन से आपने इंटेलिजिबल इंटेजिबुलिफरेंसिया से जो आपने क्लासिफिकेशन किया है इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए लेजिस्लेशन के द्वारा विच नॉट टूव बीन अचीव्ड तो कोर्ट ने इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट लेट डाउन किया था और इक्वालिटी के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है दो लोगों के बीच में विभेद करती है तो इक्वालिटी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन बड़ा टफ डॉक्ट्रिन थी जिसका फार्मूला बड़ा क्लिस्ट था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है तो ऑब्जेक्ट शॉट टू टू बाव बाई लेजिस्लेशन है कि नहीं है तो इसमें बड़े क्लिस्ट प्रिंसिपल आ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक साधारण प्रिंसिपल भी अप्लाई किया था बाद में जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरिनेस आर्बिट्रेरीनेस आर्बिट्रेरिनेस स्वेच्छाचारिता के अधीन नियम और कोर्ट कहती है कि भाई अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर्बिट्ररी एक्शन लेगा तो यह माना जाएगा इक्वालिटी का निगेशन है आर्बिट्ररीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वर्ण एनमीच ध्यान दीजिए यह जन्मजात दुश्मन है स्वेच्छाचारिता और समानता ये जन्मजात दुश्मन है तो ये एक साथ रह ही नहीं सकते जहां पे आर्बिट्ररीनेस आ जाएगा एज एज कम्स पिक्चर इक्वालिटी सुनिट्रीवैलिटी गोजे तुरंत इक्वालिटी वहां से चली जाएगी क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो इसमें जस्टिस भगवती ने ईपी स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया कि आर्बिट्ररीनेस अमाउंट्स टू निगेशन ऑफ इक्वालिटी तो जब फंडामेंटल राइट में आप जाएंगे जुडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को देखेंगे फंडामेंटल राइट right के परिप्रेक्ष्य में तो आर्टिकल चौदह में आपको यह दिखेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को अप्लाई करने में परमिशबल क्या है रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिशबल है क्लास लेजिस्लेशन परमिशबल नहीं है और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर क्लास लेजिस्लेशन करता है या रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं करता है तो यह इक्वालिटी का निगेशन है और इसमें जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा सिमिलरली अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो आर्बिट्रेरी एक्शन लेता है डिस्क्रिशन और आर्बिट्रेरीनेस में बड़ा थिन डिफरेंस है ध्यान दीजिए बड़ा थिन डिफरेंस है डिस्क्रिशन जो है वह वेल बीइंग के लिए दिया जाता है और आर्बिट्रेरीनेस जो है ये क्या करता है ये बैड रिजल्ट क्रिएट करता है तो आर्बिट्रेरीनेस उसी विवेक का प्रयोग जब आप गलत रूप से करेंगे तो आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगा उसी विवेक का प्रयोग जब सही डायरेक्शन में करेंगे तो वह

इक्वालिटी को डिटरमाइन करने में समानता हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको दोनों देखना है रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ कि नहीं हो गया हुआ है और हमको यह भी देखना है कि आर्बिट्रेरी एक्शन है कि नहीं है तो इन दोनों को हम लोगों को देखना है दोनों को देख के हम चलेंगे तो ये कोर्ट ने इसमें बोल दिया है ऐसे तो ये आर्टिकल चौदह में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और जुडिशियल रिव्यू को आप ऐसे देख सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द कॉम्पोनेट ऑफ आर्टिकल फोर्टीन प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस इज ऑल्सो न कॉम्पोनेट ऑफ आर्टिकल फोर्टीन इक्वालिटी और ये सब कहाँ से निकल के आते हैं नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस होगा नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस कब होगा जब बायसनेस नहीं होगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है बायसनेस कर रही है चाहे वो पर्सनल बायस है चाहे पिक्यूनरी बायस है सब्जेक्ट मैटर का बायस है चाहे अफिसियल बायस है, है कोई भी बायस है तो ये क्या हो जाएगा निवेशन निवेशन ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा आप तो पिक्यूनरी बायस पे काम कर रहे हो पैसे के मामले में काम कर रहे हो तो आप समानता कैसे करोगे तो ये बायसनेस हो जाएगा उसी तरीके से पर्सनल बायस और अदर बायस का कॉन्सेप्ट है तो नेचुरल जस्टिस भी इंटीग्रल पार्ट है उसी तरीके से आरडीएल्ट्रम पार्ट है आपने डिसाइड कर दिया बींग द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और आपने सुनवाई का अवसर नहीं दिया आपने ड्यू नोटिस नहीं दिया आपने प्री डिसीजनल हियरिंग नहीं दिया आपने पोस्ट डिसीजनल हियरिंग भी नहीं दिया आपने रीजन भी नहीं दिया और आपने मामले को डिसाइड कर दिया तो ऐसा आपका डिसीजन क्या माना जाए

तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है विभेद नहीं करना है राज्य विभेद नहीं करेगा और राज्य में कौन है राज्य में प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं क्योंकि आर्टिकल 12 में आप देख सकते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी अगर डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन दीज ग्राउंड जो आर्टिकल पंद्रह में लिखा हुआ है इसको भी खारिज कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा अंडर जुडिशियल रिव्यू आप बहुत ऐसे केसेस देखेंगे जो भारत के संविधान में आपको देखेगा एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा जजमेंट था एयर होस्टेज रिटायर हो जाएगी जब वो पैंतीस साल की हो जाएगी या एयर होस्टेज रिटायर कर दी जाएगी कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाएगा जब फर्स्ट प्रेग्नेंसी उसकी होगी या मैरिज उसका होगा तो मैरिज में फर्स्ट प्रेग्नेंसी में और 35 साल की उम्र में वो रिटायर कर दी जाएगी 35 को 45 बढ़ाने का पावर किसको दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिया गया ये एयर इंडिया ने रूल बना दिया इस रूल को चैलेंज करता है पेटिशनर कदा यह बड़ा विचित्र रूल है भाई ये तो आर्बिट्ररी रूल है जो एयर इंडिया ने बना दिया कि कोई औरत को आप रिटायर कर देंगे ओनली ऑन दिस रीजन कि वो प्रेग्नेंट हो गई या इस रीजन के आधार पे कि उसने शादी कर लिया शादी करना ह्यूमन बीइंग का और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है नहीं तो फिर सृष्टि बनेगी कैसे और दूसरा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी तो मदरवुड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मदरवुड कितना पायस इंस्टीट्यूशन है इन कंट्री लाइक और जिसमें हम माँ को तो देवी के रूप में भी पूजा करते हैं और जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो वह माँ नहीं बनेगी और प्रेगनेंसी के आधार पर आप उसको रिटायर कर रहे हैं तो मदरवुड का एक तरीके से आपने नौकरी क्रिएट कर दिया इसको लेकर के पिटिशन चैलेंज करता है और कहता है पैंतीस से पैंतालीस जो बढ़ाना है डिस्क्रिशनरी पावर है मैनेजिंग डायरेक्टर का ए का बढ़ाएगा बी का नहीं बढ़ाएगा इसमें इरेलीवेंट कंसिडरेशन भी लेगा इस कोर्ट कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा चलो पैंतीस साल पर रिटायर होना ये तो समझ में आता है लेकिन प्रेगनेंसी पर रिटायर हो जाना मैरिज पर रिटायर हो जाना और जुडिशियल जो जो डिस्क्रिप्सन दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर को ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आर्बिट्रेरी पावर कन्फर करता है तो एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का बड़ा लीडिंग केस है इसमें ऐसे ही अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब का आप जजमेंट देखेंगे जिसमें इंटरव्यू के लिए पंद्रह मार्क दिया गया था दो दो मिनट में इंटरव्यू करके लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था तो ये भी चैलेंज किया गया कि भाई ये तो बड़ा आर्बिट्रेरी पावर कन्फर कर दिया गया है पंद्रह नंबर है इंटरव्यू के लिए दो दो मिनट का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो ये कैसा इसमें तो आर्बिट्री एक्शन हो जाएगा और

आपको रीजनेबल एक्सरसाइज आप पावर करना पड़ेगा उनको और इसमें अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है जितना भी आप रिजर्वेशन पॉलिसी देखेंगे इंदिरा सहानी का जजमेंट से लेकर के मंडल कमीशन केस से लेकर के एक दो नहीं बहुत फिलहाल आप जजमेंट हैं इसमें और इसमें आप देखेंगे तो इसमें स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन उसका जो डिस्क्रिप्सन है उसका मिस माना जाएगा और जुडिशियरी उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर देगी तो ये आर्टिकल इक्वालिटी के आधार पर हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकारों में प्रशासनिक विवेकाधिकार का क्या महत्व तो है अब आर्टिकल आर्टिकल 19 19 में में आ जाइए थोड़ा सा 19 में आप देखेंगे फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करता है फंडामेंटल फ्रीडम्स में कई फ्रीडम है हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल नाइनटीन वन ए और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है नाइनटीन टू में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कई रिस्ट्रिक्शन इसमें गिनाए गए हैं पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा डिसेंसी, डिफेमेशन यूनिटी एंड है, तो आपके पास है लेकिन को ऐसे यूज आपको नहीं करना है ये सब लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में अनरिजनेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट लाइवल फॉर जुडिशियल रिव्यू और स्टेट का मतलब आप ध्यान रखें हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 12 में स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आते हैं तो हम केवल हम इस लेजिस्लेचर की बात वगैरह नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू ये हमारा टॉपिक है और इसका फंडामेंटल राइट right पे प्रभाव तो हम इसको सीमित दायरे में डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल 19 का लेकिन अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लगाती है राइट्स पे तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा क्योंकि आर्टिकल 19 किसको इनविसेज करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसी तरीके से नाइनटीन वन जी है नाइनटीन वन जी प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस तो बहुत जजमेंट आपको मिलेगा ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कहते हैं ऋषिकेश के एरिया में और यहाँ पे हरिद्वार के एरिया में आपको अंडा नहीं बेचना है ओम प्रकाश कहता है कि नहीं भाई हमको तो मैं तो अंडा का व्यापारी हूँ और मैं यहीं पर व्यापार करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बना दिया गया कहा गया कि भाई इस एरिया में जितना ये प्लेग्रम प्लेग्रमेज यहाँ पे आते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे अगर आप अंडा बेचेंगे और छिलका फेंकेंगे और नहा करके बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो बीच में उनके पैरों के नीचे अंडे का छिलका पड़ेगा उनको दिक्कत आएगी आपको यहाँ नहीं करना है उसने इसको चैलेंज कर दिया कहता है ये रेगुलेशन तो बहुत ही गड़बड़ है क्योंकि प्रोफेशन आकुपेशन ट्रेड और बिजनेस मेरा फंडामेंटल राइट है लेकिन कोर्ट ने इस रेगुलेशन

जिसको आप कर सकते हैं स्लॉटर लेकिन काउ को छोड़ करके तो काउ स्लॉटर तो इसको भी कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से खारिज कर दिया था ऐसे बहुत जजमेंट आपको दिखेंगे कने का मतलब ये है इसी तरीके से पब्लिक आर्डर है जगदीश्वरानंद अवधूत वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता वो कहते हैं हम तो हम तो आनंद मार्गीज हैं और चूंकि हम आनंद मार्गीज हैं तो हम शिव के तांडव रूप की पूजा करते हैं तो हम पब्लिक प्लेस में ह्यूमन स्कल पहन करके डांस करेंगे और कलकत्ता के बीच गलियों में डांस करेंगे और हमारे गले में जो माला होगी वो आदमी के सिर की माला होगी हमारे हाथ में त्रिशूल होगा हम रिक्छाला पहने होंगे बड़ा भयंकर सा रूप होगा हमारा और हम तांडव डांस करेंगे कमिश्नर कहते हैं कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो पब्लिक आर्डर का मामला आ जाएगा बीच सड़कों में जाम लग जाएगा बहुत लोग डर जाएंगे आपके इस रूप से तो आप इसको यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक आर्डर है वो कहते हैं नहीं स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारा हमारा रिलीजियस फंडामेंटल राइट है हम इसको करेंगे इसको लेकर के मामला आगे बड़ा कोर्ट ने कहा कि भाई पब्लिक आर्डर का मामला है आप दूसरे जगह कर सकते हैं बीच सड़क पर नहीं कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन जब हम फंडामेंटल राइट पर लगाते हैं स्टेट जब लगाती है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लगाती है तो उसको देखना है कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है अगर रीजनेबल है कोर्ट उसको कह देगी ओके okay है अगर अनरीजनेबल है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को उसमें एक्सरसाइज करेगी और आपके एक्शन को खारिज कर देगी तो ये जितना भी केस हम लोगों ने देखा किसी में खारिज हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है जहाँ पे रीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ़ पावर है वहाँ पे नहीं खारिज हो रहा है जहाँ पे अनरीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर है वहाँ पर खारिज हो जा रहा है तो ये आर्टिकल चौदह और उन्नीस को देखा आर्टिकल इक्कीस को देखिए एक बार

प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक एक गोपालन में हुआ कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब कोर्ट ने कहा प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब जो प्रोसीजर है जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है वही प्रोसीजर है उससे इतर कुछ भी नहीं है कोर्ट कहती है कि भाई प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब एनी प्रोसीजर प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक ही गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और के कहता है कि डिटेंशन जो है, नहीं, 21 में लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल किया जा सकता है कब इफ देर इज प्रोसीजर बाई तो डिटेंशन लॉ में प्रोसीजर है ना उसी प्रोसीजर के तहत आपको डिटेन किया गया है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ है पेटिशनर बार बार कहता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड प्रोसीजर मस्ट बी रीजनेबल लेकिन कोर्ट ने एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में इस बात को नहीं माना अल्टीमेटली मनेका गांधी का जजमेंट आया 1978 जिसमें मनेका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया बाई पासपोर्ट अथॉरिटीज अंडर पासपोर्ट एक्ट और उसको मनेका गांधी ने चैलेंज किया और वहां पे फिर वो कहती है कि भाई पासपोर्ट एक्ट में तो व्यवस्था है कि हमारे पासपोर्ट को सीज कर लिया जाएगा लेकिन ये व्यवस्था अपने आप में ठीक नहीं है ये जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ भारत के संविधान के आर्टिकल इक्कीस में लिखा हुआ है ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ का मतलब ये नहीं कि एनी प्रोसीजर विच लेजिस्लेचर नो इस प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए नहीं तो उस प्रोसीजर का कोई मतलब नहीं है। उस प्रोसीजर में नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस होना चाहिए उस प्रोसीजर में रूल ऑफ लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए नहीं तो रूल ऑफ मैन हो जाएगा और डिनाइल ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा मनेका गांधी के इस आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने माना और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही बात है ये तो रूल का डिनाइल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर मतलब तो कोर्ट ने उन्नीस के 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 मतलब लॉ सम्यक विधि प्रक्रिया होनी चाहिए और जो भी प्रोसीजर होगा वह सम्यक होगा सम्यक का मतलब ड्यू का मतलब जस्ट फेयर और रीजनेबल होगा ऐसा नहीं है कोई प्रोसीजर तो ए के गोपाल और मनेका गांधी के बीच में तमाम डेवलपमेंट हुए हैं अगर आप देखेंगे जिसमें खड़क सिंह का जजमेंट आया जिसमें गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जजमेंट आया कई जजमेंट बीच में आए लेकिन एके गोपालन ओवर रूल नहीं हुआ मनेका गांधी में आकर के वो कहते हैं नहीं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ मतलब ड्यू प्रोसेस लॉ और इसलिए लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का दायरा बढ़ गया क्योंकि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए ड्यू प्रोसीजर होना चाहिए ड्यू प्रोसीजर हमेशा का हमेशा कौन डिसाइड करेगा कोर्ट डिसाइड करेगी तो कोर्ट का डिसीजन इसमें इंपॉर्टेंट हो गया ड्यू प्रोसीजर तो इस तरीके से आप देखेंगे आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या प्रभाव है फंडामेंटल राइट right पे ये सारा हम लोगों ने इसमें देखा इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को कंट्रोल किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग को आर्टिकल 12 के भी तरफ थोड़ा सा देख लेना चाहिए अगर आप आर्टिकल 12 में जाएंगे तो राज्य क्या है ध्यान दीजिए क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट right पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्स की बात कर रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिपन राज्य से निकल के आता है तो राज्य का इसमें कितना रोल है और राज्य क्या है ये हम लोग को जानना है तो अगर आर्टिकल बारह में देखेंगे लिखा हुआ है राज्य के अंदर क्या आएगा पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर अथॉरिटीज विद इन दिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर दी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट की डेफिनेशन तो बड़ी वाइड है अगर आप इसको दो भाग में बांटेंगे तो पहले तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर यह स्टेट है तो पूरा लेजिट है दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यह भी स्टेट है गवर्नमेंट स्टेट है एग्जीक्यूटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट right को कौन कर्टेल कर सकता है तो हमारे फंडामेंटल राइट right को स्टेट कर्टेल कर सकता है और स्टेट के तहत हम लोगों ने देखा लेजिस्लेचर है चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव है चाहे वो एग्जीक्यूटिव यूनियन हो चाहे स्टेट हो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट तो एग्जीक्यूटिव इसलिए हम देख रहे हैं प्रशासनिक प्राधिकारी प्रशासनिक प्राधिकारी किसके पार्ट हैं, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। इसलिए जब फंडामेंटल राइट में हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू है। हम फंडामेंटल राइट में जब जा रहे हैं तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट कर्टेल कौन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कर सकते हैं क्योंकि वो आर्टिकल ट्वेल्व में स्टेट हैं। और इसलिए वो चाहे आर्टिकल चौदह का मामला हो चाहे वो आर्टिकल उन्नीस का मामला हो चाहे वो आर्टिकल इक्कीस का मामला हो जिसमें रीजनेबलनेस की बात की गई है जिसमें आर्बिट्ररीनेस की बात की गई है जिसमें जस्टनेस और फेयरनेस की बात की गई है ये एक्सपेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और अगर इसको वो फुलफिल नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो उनका एक्शन इज लाइबल फॉर जुडिशियल रिव्यू क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन कहाँ पे है इनडायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली आर्टिकल थर्टीन में है चाहे तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज चाहे तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में नहीं होंगे और अगर होंगे तो कोर्ट उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर देगी तो ऐसा जितना भी जुडिशियल डिसीजन आप देख रहे हैं जिसमें रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट के कंटेलमेंट में था उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कैसे डिक्लेयर किया है विद इन दार्ब ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्योंकि आर्टिकल 13 में आर्टिकल 32 में आर्टिकल 245 में आर्टिकल 136 में आर्टिकल 142 में आर्टिकल 141 में आर्टिकल 246 में ये जितनी भी आर्टिकल आप संविधान में मैं आपको बता रहा हूं इनडायरेक्टली यू कैन से देर आर इन कार्पोरेशन एंड इंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जुडिसियल रिव्यू थ्रू जुडिशियल डिसीजन तो जुडिशियल रिव्यू का बड़ा वाइड पावर है हमारे संविधान में लिखा कहीं नहीं है लेकिन बड़ा वाइड पावर है जो सारे आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू होगा न्यायिक पुनर्विलोकन होगा कब जब वह अपने डिस्क्रिशन का ड्यू प्रयोग नहीं करेंगे और कई ग्राउंड हम लोगों ने देखा कि फला 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 ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का होगा ये हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन से ऐसे एक्शन है जो फंडामेंटल राइट right को प्रभावित कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और जुडिशियल रिव्यू का फंडामेंटल राइट right से क्या महत्व तो और क्या रिलेशन है तो हम लोगों ने आर्टिकल चौदह के माध्यम से आर्टिकल उन्नीस के माध्यम से आर्टिकल इक्कीस के माध्यम से और अल्टीमेटली आर्टिकल ट्वेल्व के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया विद हेल्प ऑफ मेनी डीसी

Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.